हैं। तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द शेल डायग्राम्स। उसमें लेट्स डिस्कस अबाउट द कैल्शियम, दैट इज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। ठीक है जी। ट्वेंटी को हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू के एल एम एन शेल्स एज 8 2 2 2 8 8 2। ठीक है, तो इसकी ऐसी बनेगी के शेल एल एम एंड एन शेल, राइट। तो शेल डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले सेंटर में आ जाएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फॉर द सेकेंड शेल it will be having the 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है बेटा। Then the next is again the third shell that is having the 8 electrons, again 1 2 3 4 5 6 7 and 8। And for the n shell, it is having 2 electrons, so 1 and 2. So this is the shell arrangement for the calcium, that is the 20th element. ठीक है बेटा। Okay, Dhiren, clear now? Right. So there are some of the questions that are actually associated with electronic configurations. So you have to give the electronic configuration of phosphorus and chlorine. क्लोरीन फॉस्फोरस की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है मुझे। आई एम आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? 10 2 8 8 की टर्म्स में आपने बताना है। चलो जल्दी से बताओ बेटा। यस अर्शप्रीत, फॉर द क्लोरीन। यस मैम, 2.8.7। वेरी गुड, 2.8.7, बिकॉज हेयर द क्लोरीन इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 17। तो हम 17 को कैसे डिवाइड करेंगे? 2, 8 and 7। ओके, यस रमनीक। यस मैम, फॉर फॉस्फोरस 2, 8 and 5। 2, 8 and 5, वेयर द फॉस्फोरस इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 15। सो 15 को हम डिवाइड करेंगे 2, 8 and 5 में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज यस धीरेन, सोडियम। सोडियम, यस मैम। हां जी, सोडियम 2.8.1। वेरी गुड, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो इट विल बी 2.8.1। यस दिया। यस दिया, फॉर फ्लोरीन बेटा। फ्लोरीन मैम 2.7। 2.7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 9। तो दैट मींस आपको सबसे पहले सबके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द इजीएस्ट थिंग। हमने 2 पहले रखना है, उसके बाद 8 तक हमने फिलिंग स्टार्ट करनी है अपनी, राइट। इन द सेम वे नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी दे आर गिवन टू यू। ओके, आई विल बी गिविंग यू 4 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। ओके, तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। इनकी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हैं 2, 3, 2, 6, 2, 8, 5 and 2, 8, 8। नाउ द क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड टू यू लाइक दिस ऑल्सो, कि ये एलिमेंट्स हैं, इनके आपने एक्चुअल एलिमेंट ये कौन सा है ये बताना है। यू हैव टू नेम दीज एलिमेंट्स ए बी सी डी। यस अपरन। मैम बोरोन। फर्स्ट इज बोरोन, 2 + 3 = 5, तो 5 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है? बोरोन है। वेरी गुड। यस जसलीन। ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, देखो 6 + 2 = 8,
एट एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का. वेरी गुड. यस रिधिका. मैम फास्फोरस. नेक्स्ट इज फास्फोरस. 2, 8, 5, 15 एटॉमिक नंबर वाला क्या है? फास्फोरस है. ओके नेक्स्ट कमिंग टू मिलन. यस मिलन. 288 मैम आर्गन. 288 इज आर्गन. 18 एटॉमिक नंबर वाला कौन है? आर्गन. ओके सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू. नाउ राइट डाउन द थर्ड वन. ठीक है अब और कैसे इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एल्यूमिनियम. आपने एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखना है एंड यू हैव टू ड्रॉ इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड. देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एल्यूमिनियम. और आपने साथ में उसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं. अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं. हाँ जी. Who is going to explain, beta? Yes, Sahil. What is the atomic number of aluminium, beta? Sahil. 13. Aluminium ka atomic number hota hai 13. Very good. So that is 13. Yes, Sahil. What is the electronic configuration? 283. Very good. That is 283. Okay. So in this way, we will be drawing this electronic configuration like this. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. एंड फॉर द लास्ट वन इट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? यस प्रणय. प्रणय ओके प्रणय इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. हाँ जी वत्सल बोलिए बेटा. न्यूट्रॉन्स मैम नंबर ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम? मैम 27. तो न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे फिर? मैम जेड प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? ओके अर्शप्रीत बोलिए बेटा. यस मैम 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14. माइनस 13 क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास जो है एल्युमिनियम का दैट इज 27. ओके ये दोनों चीजें आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई हैं. यू नो दीस थिंग्स वेरी वेल नाउ. ओके सो वी आर यूजिंग दीस थिंग्स इन दिस चैप्टर ऑल्सो राइट. तो 8 का 27 है. ए माइनस जेड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा. तो इट विल बी 14. ओके जेड इज गोइंग टू गिव यू प्रोटॉन एंड इट विल बी गिविंग यू इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? 13 के इक्वल होंगे. ओके इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए write one more table. Just a minute. चलो एक table draw करो और उसको complete करते हैं हम. Okay? It's just a sort of practice of your neutrons, protons and electrons. क्योंकि paper में हम यही questions रहते हैं. ठीक है? After the theories. So you are having the elements. Last element आपने predict करना है. You are given the Z. 9, 13. A दिया गया है. A is given to you 19 and 23. Next is electrons.
दिस इज 11 एंड 8. प्रोटॉन्स किसी के भी नहीं गिवन है आपको. न्यूट्रॉन्स चलिए दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू कंप्लीट. जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट करो और आंसर दो मुझे. यस ओके स्टार्टिंग फ्रॉम रिद्धिका. रिद्धिका बताइए बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा. इलेक्ट्रॉन मैम एटॉमिक नंबर इज 9 सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स विल बी आल्सो 9. ओके इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी 9. ओके एंड अबाउट द न्यूट्रॉन्स. एंड फॉर न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन दैट इज 19 दैट इज 10. 10 वेरी गुड. 19 माइनस 10 9 करेंगे तो दैट विल बी गिविंग यू 10. वेरी गुड रितिका. यस लवलीना. यस मैम. जी बेटा जेड बताइए सबसे पहले. मैम 11. दैट इज 11. व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू यू एज 11. उसके बाद प्रोटॉन्स बताइए. 11. प्रोटॉन्स दे आर आल्सो 11. यस अबाउट द न्यूट्रॉन्स. 12. वेरी गुड. 23 माइनस 11 करेंगे तो दैट विल बी गिविंग यू 12. ओके दलजीत. यस दलजीत. यस मैम. ए ऑफ एल्युमिनियम इज 27. ओके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इज 27. वेरी गुड. ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट मैम? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर 13. इलेक्ट्रॉन्स आर 13 बिकॉज़ दैट आर इक्वल टू जेड. प्रोटॉन्स 13. 13 बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर ऑलवेज सेम. वेरी गुड. Okay, coming to the next. Yes, Jasleen. Jasleen. हाँ जी बेटा लास्ट वाला बताइए. पहले ये एलिमेंट बताओ कौन सा है. ऑक्सीजन. हाँ जी. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वेरी गुड बिकॉज यू आर गिवन विद इलेक्ट्रॉन यानी कि Z गिवन है आपको. Z इज 8 तो 8 वाला कौन सा है. ऑक्सीजन है. नेक्स्ट बेटा Z मास नंबर 16. मास नंबर है 16. वेरी गुड. प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स 8. प्रोटॉन इज 8 तो 16 माइनस 8 करोगे तो न्यूट्रॉन्स आपको ऑलरेडी गिवन है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. नाउ okay we will be moving to the next concept now of valency and valence electrons. again very very important concept. is pe bhi questions aa jate hain aapko to aise hi mixed questions aayenge aapko configuration ke sath hi number of neutrons protons aur iske sath ek aur topic bhi add ho sakta hai ab valency aur valence electrons ka. okay so all of you you can lower your hand now. Valency and valence electrons. Now, what do you mean by the valence electrons? Firstly, valence electrons, they are actually the electrons that are present in the outermost shell of an atom. सबसे बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो आउटर मोस्ट शेल है बाहर वाली शेल है इसको हम और क्या कहते हैं. वेलेंस शेल. ठीक है तो आउटर मोस्ट शेल को हम और क्या कह सकते हैं. वेलेंस शेल भी कहते हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वेलेंस शेल में होंगे वो क्या बनाते हैं. दे फॉर्म द वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. ओके
Now, if I take the example of lithium, suppose. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इट विल बी 2-1. ओके, इट विल बी 2-1. अब आपने जो शेल देखनी है वो ये वाली देखनी है, बिल्कुल लास्ट वाली, एंड वाली शेल देखेंगे हम. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट शेल फॉर द लिथियम एटम, एंड हेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन यू सी? 1. सो इट इज हैविंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इट इज हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इज दिस क्लियर बेटा? अब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल, तो ये के और एल. एल इज द आउटर मोस्ट शेल हियर. इसकी जो आउटर मोस्ट शेल बनती है वो कौन सी बनती है? वो एल शेल बनती है. ओके, सो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 1. सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1. क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? Similarly, if I ask you how many valence electrons are there for the magnesium, अब magnesium के लिए बताओ मुझे, magnesium के लिए valence electrons कितने होंगे? Yes, Aparan? Mem 2. For the magnesium, it is having the atomic number 12. So can we write it as 2, 8, and 2? और इसकी जो valence shell होगी, that will be the M shell with valence electrons. ठीक है जी, चलो और पूछते हैं. यस धीरेन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ सल्फर. मैम इन सल्फर इट विल बी 8-6. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ सल्फर इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 16. सो 2, 8, and 6. सो 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सल्फर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज अर्शप्रीत. यस मैम. सिलिकॉन के लिए बताओ बेटा. सिलिकॉन 2, 8, 4. वेरी गुड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4. वेरी गुड. सो क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2, 8, 4 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे. दीज इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू सी द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम. ओके, यस रमनीक. रमनीक बताएगी फॉर द नियॉन. यस मैम, 8. हाउ मेनी? 8. नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है रमनीक? 2.8. एंड कौन सी शेल बनती है? वैलेंस शेल. वैलेंस शेल कौन सी है इसकी? हाँ जी बेटा, वैलेंस शेल है कौन सी? के एल एम. ओके, बोलिए रमनी. मैम एल शेल. एल शेल, वेरी गुड. ओके, विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8. ओके, अंडरस्टूड बेटा? समझ आ गया सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी का, सॉरी वैलेंस शेल का कंसेप्ट, राइट? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी. नाउ अब वैलेंसी क्या है हम ये देखेंगे. ओके, so all of you, you can lower your hands now. Now coming to the next concept is valency. Valency is actually linked with the valence electrons. In the last chapter also I have told you the concept of valency, where what we say about the valency, it is the combining capacity of an element. Valency is the combining capacity of an element. Okay, ki us element ki combine karne ki kya capacity hai, or you can say number of electrons lose or gain by the atom. Okay, किसी एटम ने कितने number of electrons जो हैं वो lose किए हैं या gain किए हैं. Okay, so that is also known as valency. Number of electrons lose or gain by the atom
इन केमिकल कॉम्बिनेशन. एक्चुअली जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो तभी लूज या गेन करते हैं. ओके, इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कंसेप्ट, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, सबसे सिंपलेस्ट ले लेते हैं बोरोन. बोरोन इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 5. ओके, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाते हैं? 2, 3, राइट. अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हम वैलेंसी पढ़ के आए हैं कि सोडियम जो है वो हमेशा Na पॉजिटिव बनाता है. ये पॉजिटिव, वन पॉजिटिव इज शोइंग दैट इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन. तो ये वन जो है वो उसकी वैलेंसी बन जाती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकता है. ओके, नाउ इन द सेम वे वी आर हैविंग द वैलेंसी कंसेप्ट फॉर ऑल द एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स की ही वैलेंसी लिखते हैं सबसे पहले सबकी. इफ आई टेक द एग्जांपल, थोड़ा सा इधर सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ले लिए हैं. इनकी कॉन्फिगरेशंस लिखते हैं. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 and 2, 8. यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन सब की. ओके, अब अगर मैं देखूं वैलेंसी का कंसेप्ट, वैलेंसी में हम क्या कहते हैं कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज या गेन किए हैं, या इसकी कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है. कंबाइन करने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की कैपेसिटी, दे बोथ आर सेम टर्म्स. ठीक है, तो हमने ये देखना है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए हैं. दैट इज द वैलेंसी फॉर द हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द मैजिक नंबर्स 2, 8, 18 and 32. हमने इनको याद रखना होता है बस. दे आर द स्टेबल नंबर्स. हर कोई एलिमेंट जो है वो इनको एक्वायर करना चाहता है. अब हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ हेयर द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इट कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ. ओके, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या ये भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे दे. तो हर हाल में हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1. एंड वन थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर. वैलेंसी के लिए हमने कभी भी साइन नहीं शो करना है. इट इज जस्ट अ नंबर. आप इसको हमेशा नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे विदाउट एनी चार्ज. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द हीलियम, अब मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम तो ऑलरेडी स्टेबल है. फर्स्ट शेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, दैट इज ऑलरेडी हैविंग. सो हीलियम की वैलेंसी क्या हो जाती है? 0. कमिंग टू लिथियम, लिथियम की वैलेंसी, ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब इसकी टेंडेंसी है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेन. तो उसके पास क्या ऑप्शन रहती है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज कर दे. ओके, सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. अगेन इफ आई टॉक अबाउट 2, 3, 4, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट 2, 3, 4, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा. ओके, सो व्हाट आई हैव सीन, यहां तक अभी मैंने क्या देखा है? वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम. हीलियम को हम बाहर निकाल देते हैं. इन सब के लिए हमने क्या देखा है कि वैलेंसी जो है वो किसकी इक्वल होगी? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 है. अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 है. अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वैलेंसी 3 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी वैलेंसी 4 है. अब
जैसे जैसे आप फाइव के ऊपर जाओगे, ठीक है, सॉरी जैसे जैसे आप फोर के ऊपर जाओगे, व्हेन यू एक्सीड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन फोर, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. नाउ फॉर दीज केसेस द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन दे विल इंक्रीज. तो अब ये एट जो है वो फाइव के बहुत पास है, ओके, सो यहाँ पर अब इसकी टेंडेंसी होगी कि ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करने, यहाँ पर ये टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, हियर इट विल बी एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड हियर इट विल बी नॉट एक्सेप्टिंग एनी इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंप्लीट, टू एट इज कंप्लीट. सो आफ्टर फोर जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार से ज्यादा है, उसके लिए आप वैलेंसी कैसे लिखते हो, इट इज एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इज दिस क्लियर, इट इज एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो अगर मैंने नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी लिखनी है, इफ आई वॉन्ट टू राइट द वैलेंसी फॉर द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, मैं एट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगी फाइव, तो उसने मुझे थ्री दे दिया तो मैंने भी थ्री लिखी हुई है यहाँ पर उसकी वैलेंसी. सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए एट माइनस सिक्स दैट इज टू, टू लिखी हुई है मैंने. फ्लोरीन एट माइनस सेवन दैट इज वन, आई हैव रिटन वन वैलेंसी. सिमिलरली फॉर द नियॉन 8 माइनस एट दैट इज जीरो, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जीरो लिख दी है. हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा. सो वैलेंसी इट एक्चुअली शोज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज लूजिंग और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज गेनिंग. एंड देयर इज वन शॉर्ट हैंड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंसी कंसेप्ट. वैलेंसी ऑफ द एटम इट विल बी इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फोर हैं, टिल फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होगी. अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोर से ज्यादा है, ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन फोर. तो अगर ये चार से ज्यादा है तो उस केस में हमने क्या करना है, देन हमने एट में से वो नंबर जो है वो माइनस कर जाना, एट में से फाइव, एट में से सिक्स, सेवन और एट. तो ये चार नंबर जो है वो आपने एट में से क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं. दिस विल बी गिविंग यू द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, नाउ हेयर ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड कि ये मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका, डिपेंडिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, अब आपने ये बताना है कि क्या ये मेटल की तरह बिहेव करेगा या ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा. ओके, राइट, तो अगर तो वो यहां तक आता है तो इट विल बी बिहेविंग एज अ मेटल, यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर हैं, all that atom they will be behaving as a metals where they are going to lose their electrons, jahan par wo kya karenge apne electrons lose karenge. to maine abhi aapko bataya ki ye first four elements aur hydrogen bhi, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, they all will be losing their electrons, so they will be behaving as the metals. okay, कार्बन की एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन, कार्बन की एक्सेप्शन है यहाँ पर. ठीक है, कार्बन कुछ और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो हमने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंसेप्ट लेना तो उसमें हम कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे अभी. उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्योंकि ये सारे एक्सेप्ट करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो जो गेन करते हैं दे आर द नॉन मेटल्स. ओके, तो इसी शेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ कैसे अब क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको शेल कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आपसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, आपसे वैलेंसी पूछी है, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये मेटल की तरह बिहेव करेगा कि नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा. ओके, तो फिर आपने बताना है कि वेदर इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक मेटल और नॉन मेटल.
Okay, the next question can be that if it is going to behave like a metal, so the electronic configuration will be. तो अगर वो मेटल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी फिर? ओके, सिंस द नाइट्रोजन इट इज गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी N3-. ओके, तो इनिशियल नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 2-5 थी, जब N3- बनेगा तो इट विल बी 2-8 क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए हैं. ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड नाउ फ्रॉम दिस कांसेप्ट. हाँ जी, इज दिस क्लियर?